क्या लगता है तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद देंगे क्या? ना, पहले से बहुत विहीन है और देंगे अब। पहले से जो है नीतीश कुमार खुल के काम नहीं कर पा रहे थे बीजेपी के साथ जब थे, और अब जो है खुल के काम करने का मौका उनको मिलेगा। ये नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, ये कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर कुर्सी छोड़ना है तो 10-25 शासन लगा दे, फिर से चुनाव करवा ले, उसके बाद जीते। तेजस्वी जी विरोध करते थे और आज वही अच्छे हो गए। कुछ नहीं जनता को मिलेगा, मूर्ख बनाते हैं नेता लोग, जितने नेता हैं सभी लोग मूर्ख बनाते हैं। कौन नेता बढ़िया है? तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार कमाए, 10 लाख। कल से नंबर लग रहा है, कल से नंबर लग रहा है, सारे डिपार्टमेंट में नंबर लग रहा है, घर में नौकरी रखा हुआ नहीं किसी का। देख लेते हैं कितने दिन में 10 लाख। पहला सिग्नेचर का वादा हुआ था कि पहला सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी मिले, अब पहला सिग्नेचर देख लिया जाए। ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली पॉलिटिक्स है। ये जो कुर्सी का खेला है, ये जनता सब जनता के पैसे की बर्बादी है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नीतीश सरकार में घुसखोरी चरम सीमा पर है, और हर विभाग जो है भ्रष्ट है। ये सब ईडी सीबीआई के डर से सब एक हुए हैं, सब महागठबंधन जो है एक जगह, सब चोरों का मंडली एक हुआ है। फिर आगे आगे देखिए क्या होता है। आपके नज़रिए में बीजेपी कैसा था? बीजेपी वह राष्ट्रवाद की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देश हित के लिए सोचती है, गरीबों के लिए सोचती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने गलत किया है, बहुत गलत किया है, पीठ में छुरा घोंपा है बीजेपी को पुनः, और जनता के साथ धोखा किया है, बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। नमस्कार, NBC24 मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। NDA टूट गया है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आ गए हैं। बता दें आपको कि जदयू और महागठबंधन अब एक साथ आ गई, और कहीं ना कहीं आज तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर शपथ लेंगे, और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं हमारे साथ अभी बिहार की जनता बात करने के लिए तमाम लोगों से बात करेंगे, कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी कितना खुश हैं? देखा जाए तो NDA टूट गया है नीतीश कुमार के साथ, एंड महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। फिलहाल तो हम बहुत खुश हैं कि बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हुई है। कहीं ना कहीं पहले देखा जाए तो NDA के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी थी, कितना विकास हुआ, और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद, महागठबंधन के साथ आने के बाद कितना विकास होगा? पहले से जो है नीतीश कुमार खुल के काम नहीं कर पा रहे थे बीजेपी के साथ जब थे, और अब जो है खुल के काम करने का मौका उनको मिलेगा जी। और इस स्थिति में देखा जाए तो बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। सत्ता परिवर्तन बिहार में हो गया है, ये नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, ये कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं जी। अगर कुर्सी छोड़ना है तो 10-25 शासन लगा दे, फिर से चुनाव करवा ले, उसके बाद जीते। आप कभी इधर है, इधर कुर्सी मिला तो दाएं साइड चल गए, दाएं साइड दोनों हाथ में लड्डू है नीतीश कुमार के। पहले विरोध करते थे बिहार के मुख्यमंत्री का तेजस्वी जी, तेजस्वी जी विरोध करते थे और आज वही अच्छे हो गए, तो ये क्या है? एक साथ सरकार चलाएंगे। कुर्सी चाहिए ना, कुर्सी लो भी है ना, बिहार की जनता को क्या मिलेगा? क्या लगता है? कुछ नहीं जनता को मिलेगा, मूर्ख बनाते हैं नेता लोग, जितने नेता हैं सभी लोग मूर्ख बनाते हैं। कौन नेता बढ़िया है? तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार कमाए, 10 लाख। कल से नंबर लग रहा है, कल से नंबर लग रहा है, सारे डिपार्टमेंट में नंबर लग रहा है, घर में नौकरी रखा हुआ नहीं किसी का। देख लेते हैं कितने दिन में 10 लाख। पहला सिग्नेचर का वादा हुआ था कि पहला सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी मिले, अब पहला सिग्नेचर देख लिया जाए। कोई उम्मीद नहीं है बिहार के नेताओं से? बिहार के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ की जनता मूर्ख है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चचा? इम्तियाज। कितना खुश है बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ, जदयू के साथ महागठबंधन आ रही है जी, कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश। क्या लगता है बिहार को जनता को क्या मिलेगा? बेरोजगार को नौकरी मिलेगा, थोड़ा फूट फाट पर जो प्रशासन का तत्ता वो कम होगा, ये सब होगा। देखा जाए तो नीतीश कुमार पहले से भी सत्ता में थे, क्या कुछ दिए, और अभी क्या लगता है तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद देंगे क्या? ना, पहले से बहुत विहीन है और देंगे, अब वो देंगे, उनको अब अकल आ गई है। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, अकल आ गई है उनको दोनों को लेके, हर कास्ट का वो सेवा करते हैं, इज्जत करते हैं, और सबको मिला जुला के चलने वाले नीतीश कुमार हैं। 10 लाख रोजगार का वादा किया था उन्होंने? 10 लाख नहीं तो 5 लाख जरूर देगा।
बीजेपी के तमाम नेताओं में सुबह वो आक्रोश है। बीजेपी के नेताओं का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार फिर से पलट के बहुत गलत किए। नहीं नहीं, नीतीश कुमार सही किए हैं। बीजेपी वाला तो पैसा से उनका सरकार को तोड़ देता और पूरे बिहार में दंगा कर देता। वो कैसे है? वो उसकी पार्टी ऐसी है, दंगा फसाद लन फन करना है, कुछ करना तो है नहीं है। आई लोग विकास करेंगे, नीतीश और लालू का बेटा मिलके विकास करेगा, उम्मीद है पूरा। हाँ, 16 चाचा कितना खुश हैं आप लोग? ठीक है, तो बढ़िया बात है सर। तेजस्वी को पूरा समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन शुरू से मिला था। ये लोग तो बेईमानी से जीत गए थे और उसके बाद अपना ऐसे किए थे, लेकिन अब एक साथ आ गए हैं। हाँ, एक साथ आ गए, पूरा बढ़िया से काम होगा, रोजगार मिलेगा युवाओं। हाँ, सब मिलेगा, विकास होगा। हाँ, विकास होगा। 2024 में मोदी जी भी जाएंगे। मोदी जी चल जाएंगे? हाँ, सेंट्रल से उनको जाना तय है। कौन आएगा मोदी जी के जगह? नीतीश कुमार जी को ऐसे करेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं नीतीश जी को? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया मोदी से बढ़िया है, मोदी से बढ़िया है। तब ही कुछ इतना महंगाई इंसान है, इतना महंगाई कर दिए कि गरीब आदमी का कमर टूटा हुआ है। बीजेपी खेमे में आक्रोश है लगातार, जो बीजेपी के नेता हैं वो निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलट गए, बहुत गलत किए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया किए वो, बहुत बढ़िया। हाँ, बीजेपी के संग छोड़ के बहुत बढ़िया किए। बीजेपी भी तो काम कर रही थी बिहार में, उद्योग काम क्या कर रही है? इतना महंगाई कर रहे हुए हैं, एकदम गरीब आदमी ऐसी हो रहे। पहले से ऐसी रसोई गैस पर कितना दाम था, अब कितना हो गया, 1150-1200 रुपया लग रहा है। कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी सर, कोई उम्मीद नहीं है। चलिए बताइएगा, क्या बोल रहे थे बताइए? यही नीति तेजस्वी यादव 22 अगस्त 2019 को जब दूध मंडी टूटा था तो तेजस्वी जी ने फोन किया था नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार जी को पता था कि दूध मंडी पटना जंक्शन में है ही नहीं, और आज वही कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ जुड़ गए जाके। अब बताइए कि क्या इस पे किया जा सकता, जो कि दूध मंडी लाखों लोग वहाँ आके रोजगार करते थे। उस दिन नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि दूध मंडी हमको पता ही नहीं है, स्टेशन को नंबर पे कहाँ है। तो अब बताइए कि आप जब फोन कर रहे हैं और उसके बाद भी आपकी बात को वैल्यू नहीं, आप फिर उसी के साथ सट रहे, तो आप खुद जानते हैं कि जनता जनार्दन क्या है। तेजस्वी यादव भी अपनी बातों से पलट, देखिए नीतीश कुमार को तो पलटू राम लोग कह ही रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव को भी वही कह रहे हैं, कुछ और लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है। सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली पॉलिटिक्स है। अच्छा, ये जो कुर्सी का खेला है, ये जनता सब जनता के पैसे की बर्बादी है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नीतीश सरकार में घुसखोरी चरम सीमा पर है, और हर विभाग जो है भ्रष्ट है। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सरकार जब उनकी चल रही थी तो क्या लगता है काम कर रहे थे? काम के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो सेंट्रल प्रायोजित जितना भी काम था वही काम दिखा, किंतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी कार्य जो है वह स्थल पर नहीं दिखा। एनडीए महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो क्या लगता है अब काम होगा? काम क्या होगा, जो लूट खसोट की राजनीति पहले हावी थी उसी में इजाफा होगा। रफ्तार तो वही चल रही है, बिहार को लूटो, बिहार के जनता के टैक्स के पैसे को लूटो और आपस में बंदर बांट करो। ये सब ईडी सीबीआई के डर से सब एक हुए हैं, सब महागठबंधन जो है एक जगह, सब चोरों का मंडली एक हुआ है। फिर आगे आगे देखिए क्या होता है। आपके नज़रिए में बीजेपी कैसा था? बीजेपी वह राष्ट्रवाद की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देश हित के लिए सोचती है, गरीबों के लिए सोचती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने गलत किया है, बहुत गलत किया है, पीठ में छुरा घोंपा है बीजेपी को पुनः, और जनता के साथ धोखा किया, बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। जो जनादेश इनको मिला था, यह एनडीए गठबंधन को जो है बहुमत मिला था, जनता ने एनडीए को चुना था। कहीं ना कहीं महंगाई भी चाचा बढ़ रही है लगातार, तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, कर दिया जा रहा है, यह देश की मांग है। आज पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, हमारा भारत अकेला सीना तान के खड़ा है, यहाँ हमारे यहाँ कोई आर्थिक मंदी नहीं है, और सभी का जो है विकास दर एकदम निम्नतम स्तर पर आ चुका है, लेकिन हमारा विकास दर भारत का अभी भी 9.5 के आसपास है, और अकेला भारत सीना तान के खड़ा है पूरे विश्व में। क्या नाम है चाचा? चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका?
रविंदर सिंह। कितना खुश हैं सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है? सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, जदयू के साथ महागठबंधन अब आ गई है। हाँ, बढ़िया बढ़िया है। कितना खुश हैं सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है? सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, जदयू के साथ महागठबंधन अब आ गई है। हाँ बढ़िया बढ़िया है। काम होगा? हाँ काम होगा, तगड़ा काम होगा। पहले नहीं काम होता था क्या बीजेपी? कम होता था, काम कम होता था। काम ही होता था। तेजस्वी यादव से उम्मीद है? हाँ। 10 लाख रोजगार का वादा किया था? हाँ करेंगे, वो करेंगे। हाँ हाँ, देखिए तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का अलग अलग बयान है, तमाम लोग, कुछ लोगों का यह साफ कहना है कि तेजस्वी यादव के साथ सरकार बन रही है तो बढ़िया काम करेंगे, वहीं कुछ लोगों का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के पीठ पर छुरा भोंका है, कहीं ना कहीं बहुत गलत किए हैं, केंद्र सरकार का जो योजना है वही सबसे ज़्यादा बिहार में आया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और राज्य सरकार का जो योजना है वो कुछ नहीं आया है। लगातार नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी पलटी अब मार रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वादा किया था 10 लाख रोजगार का देते हैं कि नहीं, तमाम बिहार की जनताओं को आपने सुनाया क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।